अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, जिंदगी में जब कोई गंभीर परेशानी आती है तो इंसान हिम्मत करके उसका सामना करता है, लेकिन जब दिक्कतें कम होने का नाम नहीं लेती तो व्यक्ति का धैर्य जवाब देने लगता है। कृपया कुछ कहें। देखिए, जो व्यवस्था है जीवन की, समस्याएं उसमें आती हैं, समस्याओं का स्वीकार ही उनसे आगे जाने का रास्ता खोलता है। समस्याएं कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी इसके बारे में कुछ तय नहीं किया जा सकता, और कोई बता भी नहीं सकता, इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो उस जागतिक धारा में, उस कॉस्मिक फ्लो में उसका अपना एक ढंग है। इसीलिए निरंतर ध्यान का, ध्यान पूर्णता का अभ्यास आवश्यक है। समस्याएं जब कम होने का नाम नहीं लेती हैं, लिखा है, तो धैर्य जवाब देने लगता है। वो धैर्य देखा जाए अभी गहरा नहीं होता है। गहरे धैर्य का अर्थ होता है गहरी स्वीकार्यता, डीप एक्सेप्टेंस। तो जब जीवन में वो स्वीकार्यता होती है, वो एक्सेप्टेंस होती है, तो धैर्य बना रहता है। धैर्य एक संघर्ष की तरह नहीं होता, धैर्य एक भीतर के ठहराव और भीतर की शांति की तरह होता है। यानी कि अगर हम कहें कि समस्याएं हैं और धैर्य बनाए रखें, तो धैर्य यह नहीं कि अपने को बांध कर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बस समस्याएं जाएंगी और हम फिर से अपने जीवन के रूटीनी ढांचे में वापस आएंगे। नहीं, धैर्य है एक समझ कि जीवन में ऐसे ही उतार चढ़ाव चलते हैं, जीवन में समस्याएं आती हैं, समस्याएं जाती हैं, जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं। सबसे पहली समझ जो किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति को, किसी भी मेडिटेटर को, सीकर को, खोजी को आती है, वो यही है कि जीवन द्वैत का एक नृत्य है। ड्युअलिटी जो है वो जीवन को लेकर चल रही है। इस ड्युअलिटी को, इस द्वैत को हम स्वीकार कर लेते हैं। अब समस्या की जो एक्चुअल स्टेट है, कई बार अगर हम देखें तो वो एक्चुअल स्टेट, वास्तविक स्थिति उतनी परेशान करने वाली नहीं होती। समस्या से जो हम जीवन में व्याख्याएं करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो हमको ज़्यादा परेशान करती है। यानी कि जो समस्या घट रही है उस पर जो प्रतिक्रिया है वो हमको ज़्यादा परेशान करती है। समस्या वास्तविक रूप में है, उसको हम देखते हैं, उससे निपटते हैं, उसका सामना करते हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है हम करते हैं। सिंपल सी बात, ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं। कम ज़्यादा, थोड़ी देर या ज़्यादा देर, ये निर्भर करता है। और ये भी एक रिलेटिव स्टेट है, एक सापेक्ष दशा है कि किसके लिए कितना वक्त कितना देर का लगता है। धैर्य और प्रतीक्षा शब्द जब हम भारत में उपयोग करते हैं तो उनके बड़े गहरे अर्थ हैं। किसी को आप आधा घंटा बिठाल दीजिए, उसके लिए वही बहुत धैर्य का काम हो जाता है। किसी को आप आधा महीना बिठाल दीजिए, वो शांति से बैठा रहता है, आधा साल शांति से बैठा रहता है। ये एक सापेक्ष स्थिति है जो अलग अलग चित्त दशा में अलग अलग ढंग से काम करती है। तो मेरा इसमें सुझाव ये है, प्रश्न जो पूछा है उसकी रेमेडी बस यही है कि परिस्थिति का पूरा स्वीकार करें, तुमसे जो बन पड़ सकता है वो करें, अपने से होने दें, अपनी पूरी क्षमता बुद्धि प्रतिभा के अनुसार तुमसे जो बन पड़ सकता है वो करें, और बाकी अस्तित्व के ऊपर छोड़ दें। ये स्वीकार्यता और अस्तित्व के ऊपर छोड़ देना, वही तुमको धैर्य और प्रतीक्षा से भरेगा और अंतर्दृष्टि से भी भरेगा। तो प्रैक्टिकल काम करें उस पर।